बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं तो बेस है, ठीक है। मैं सज्जाद हूं, तो सारे तो पे YouTube चैनल सज्जाद साकी व्लॉग। टाइम थी के सुबह सुबह तकरीबन 8:30 दा ते मैं घी टाइम कमरे दी छत ते चढ़ा है। आज यार बहुत सुस्ती महसूस नहीं भी, पता नहीं क्यों। पीछे देखो कितना खूबसूरत व्यू है। जिन्हें जिन्हें सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, जल्दी जल्दी सारे चैनल को सब्सक्राइब करके व्लॉग शुरू कर दो। अभी खूबसूरत वीडियो का आगाज। अच्छा मरका, मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं चौक शाहबाजपुर पहुंचा। इतों अस्पताल लो छोटे भाई की दवाई दिनो, तो दुआ करे सो अल्लाह ताला मेरे छोटे भाई की खैर करे। फाइनली दोस्तों छोटे भाई की दवाई घंटे तक आ गया से, ते नहा धोन फ्रेश थी गया, टाइम थी गया तकरीबन 3 दा, ते कंगी शंगी कर गिना बोला इंशाल्लाह मिलना। फाइनली दोस्तों खिचड़ी पकी भी है, खिचड़ी खंदा बैठा, ते याद आ के मैं कह यार दोस्त ने कुछ सलाह तो कोनी मारी, अगर तुसा भी खमदे हो तो आओ सत बिस्मिल्लाह, नहीं तो बोल मैं तो खमदा पिया। बहुत लेवल दी पकी पिया, कोई एक दिन खिचड़ी कोई एक दिन मिठी खीर, बहरहाल जो भी समझो खमदे हो तो आओ सत बिस्मिल्लाह, नहीं तो वाला अस तो खमदे पे। मिठी खीर पकी पी इवें समझो आओ। फैमिली दोस्तों खिचड़ी मुका गई थी, बहुत तेज भूख लगी हुई थी ना, जल्दी जल्दी खा गई थे। मल भाई यार वाल सीधे कर, मुंह ही साफ कर अपना, मुंह तो साफ कर आपा, यो मुंह है तो वाल साफ करें था भी, वाल ए वाल तो मुंह ए साफ कर जल्दी कर। एक जरा खीर खाधी ना वो लगा पे, खिचड़ी जरी खा दी, मिठी आई फिक्की आई वो है, मिठी आई वह यार मैं भी आ खा दम। तू कर रे? हाँ मिठी आई, तू मिठी खा रे, मैं तो कच्ची कर रे। ओ कच्ची कच्ची की मैं, मिठी आई मिठी खिचड़ी जरी आई, खिचड़ी मिठी आई फिक्की आई, मैं को फिक्की दी तने। ओ तेको फिक्की दी तने, वै मिठी है वै कूड़ तो ना मार, मिठी है मिठी है कडू, सही सही डांस मिठी है फिक्की है मिठी। हाँ देखा हूँ देखा, ब्याह सुना ठीक है, फिट लगा भी मिठी खिचड़ी दे यार। क्या जी खिचड़ी आई मिठी आई फिक्की आई मिठी है। मैं वालो अपने जिम्मेदार को नाल की दी वदा, ये दसवेंदार आंदे जो भाई मिठी चीज है या फीकी चीज है, किवें भाई? हां हुन दस वाला दस आ कि मिठी है, मिठी है। अच्छा मर का काफी दी थी गन यार, मैं अपने निब्बू दा हाल वाल कोनी दा, मतलब लीमू दे दरख्त दा लगा नहीं छोड़ गए, पता नहीं क्या वजह थी गई है। ए मेरे घर दे सामने है बिल्कुल भी, ए देख गिनो के लगा नहीं छोड़ गए यार, पता नहीं क्यों आ गया उन्हीं हाल वाल गिंदा जो भाई क्यों लगन क्यों छोड़ गई, नाराज थी कि या कोई खाद वगैरह की कमी आ गई है, या कोई स्प्रे वगैरह की कमी आ गई है, या कोई पानी वगैरह की कमी आ गया, ये सारे हाल वाल इन गिंदा। हाँ सही सरदार साहब, मेरे को तुसा दसो कि तुआकू केड़ी चीज़ की कमी थी कि तुसा निब्बू लावानी छोड़ दिते, वजह ये क्या थी सकती है, मेरे को इो अपना डिटेल के दसे सो। सज्जाद भाई और कोई वजह नहीं है, बस वजह यही है कि आपने आना छोड़ दिया है और मैंने लगना छोड़ दिया है। पहले आप आते थे तो मैं लगता था, अब आप नहीं आते तो मैं नहीं लगता, बस यही है वजह है, और कोई खास वजह नहीं है। सुन के देवे दोस्तों आके, पहले तो आमदा ही था मैं नींबू वगैरह लेना, हूँ तो नहीं आमदा था जीवन की वजह से मैं नींबू वगैरह भी खोनी लेना, तो गाल वैसे सच्ची है कि तकरीबन एक महीना थी गए मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो मैं आवन छोड़ दे बस चंद्रा ही वजह तो निब्बू आख दे यार, मैं तेन नाराज़ हाँ तो मैं लगन छोड़ दे। अच्छा मजीद हाल वाल गिंदू क्या आख दे? अच्छा सही मेरे आवन या ना आवन ये क्या मामला है, क्या वजह थी सकती है, मैं आवं या ना आवं तैं निब्बू लावन ना। नहीं सजाद भाई बस आपसे चाहता है, आपसे मोहब्बत है, आप आते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ, बस मुझे ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए ना ही कोई स्प्रे वगैरह चाहिए, बस आप आते हैं तो मैं लग पड़ता हूँ, नहीं तो नहीं, बस आप हर रोज चक्कर लगाया करो फिर मैं नींबू वगैरह लगाते रहूंगा ठीक है। सुन के देवे दोस्तों नींबू मेरा उर्दू बोलने दे, गिनो कितना सियाना नींबू है, आखे तू बमसी था मैं लग बमसना था कोने लग से, मेरे को कोई जरूरत कोनी खाद दी पानी दी स्प्रे वगैरह दी कोई जरूरत कोनी, बस तू आया कर दीदार करा गया कर, तो बस मैं नींबू लावन शुरू कर दे सा। मैं चलो ठीक है भी बेहतर है, ठीक है सही सरदार साहब मैं आमदा रहा सा,
ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਬੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਂਦੀ ਦੇਵਣੀ ਪੰਦੀ ਰਾਸ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਬੂ ਦੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੇਂਦੇ ਰਾਸ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਤੈਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰਾਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦਾ ਰਾਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਂਦਾ ਰਾਸਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਂਦਾ ਵਦਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੈ ਟੋਕਾ, ਇਹ ਟੋਕਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਯਾਰ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦੀ? ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ, ਬਸ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਾਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਯਾਰ? ਮੋਡੋ ਮੋਡੋ ਬਣਵਾਈ? ਹਾਂ ਯਾਰ। ਚੋਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਬਲਾ ਇਤਨੀ ਡੰਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੋਜ ਗਏ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਗਏ, ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਗਈ, ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਗਈ, ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵੇਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਹਣ ਵੇਂਦੀ? ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ? ਮੱਖੀ ਬਾਤ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੱਖੀ ਬਾਤ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਐਸ਼ ਗੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਬਾਤ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਤ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਤ ਚ। ਕੋ ਨੀ ਮੈਂ ਕੋ ਨੀ, ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈ। ਫੈਮਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੋ ਆਪਣੀ ਅੱਧ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਜਾ ਸਕੀ ਵਲੌਗ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ।